हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और एक्सबॉक्स सीरीज एस जो अब इंडिया में भी अवेलेबल है परचेस के लिए। तो कि ट्यूजडे को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक्सबॉक्स सीरीज एस एंड एक्सबॉक्स सीरीज एक्स दोनों अवेलेबल कर दिया था इंडियन परचेस के लिए, मतलब आज। तो एक्सबॉक्स सीरीज जो एक्स है उसकी प्राइस 50,000, लगभग 50,000 रुपये है, और जो एस सीरीज एस वो 35,000 रुपये करीब का है। ये दोनों एक्सबॉक्स के कंसोल नेक्स्ट जेन कंसोल है और अवेलेबल होंगे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और ऑफलाइन मतलब दुकानों पे भी। और एक्सबॉक्स एक्स जो जेन है उसमें सेकंड बेस का ऑक्टाकोर सीपीयू क्लॉक्ड है, जिसमें 3.8 हर्ट्ज़ की 16 GB की GDDR6 रैम दी गई है। और जो सीरीज एस है उसमें भी जेन 2 का बेस सीपीयू क्लॉक 3.8 GHz का 10 GB ऑफ रैम दी गई है। तो यह और USB 3.1 है, जिसकी मतलब है जो ट्रांसफ़र स्टोरेज ट्रांसफ़र करना और डालना वगैरह जो होगा वो बहुत फास्ट होगा। और यह गए लेट यू नो कि अगर आप एक्सबॉक्स के फ़ैन हैं या PS5 के फ़ैन हैं, मतलब प्लेस्टेशन के फ़ैन हैं कि एक्सबॉक्स के फ़ैन हैं। यू नो अगर एक्सबॉक्स के फ़ैन हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अब एक्सबॉक्स एक्स में आपको 120 FPS 4K रेजोल्यूशन में भी सपोर्ट मिलेगा, और जो एक्सबॉक्स सीरीज एस है उन्हें 1440p के रेजोल्यूशन में अप टू 120 FPS फ्रेम रेट। तो कम से कम जो फ्रेम रेट 60 होता था पहले एक्सबॉक्स का, अब वो बम्प होकर 120 FPS हो गया है। तो ये खासियत है नेक्स्ट जेन कंसोल्स की। सो यह गाइस लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। एनीवे आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय, पीस।